आज आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के लिए अपना घोषणा पत्र भी जारी कर दिया है। दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी प्रचार के मामले में दोनों पार्टियों से बहुत ही आगे चल रही है। हमने अब तक दो चरण का अपना कैंपेन कंप्लीट किया है। पहले चरण के अंदर जगह जगह सभाओं का कार्यक्रम हुआ, रैलियां हुई। दूसरे चरण में हमने 10 तारीख से 35 लाख मतदाताओं से 1-to-1 कैंपेन किया, जो आज पूरा हुआ है। अभी आज दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के सभी विधायकों, काउंसलर, सभी लोकसभा उम्मीदवार और संगठन के पदाधिकारियों के साथ मीटिंग की। हमने दूसरे चरण के कैंपेन की रिपोर्ट को गैदर किया है और पार्टी ने ये निर्णय लिया है कि अब हम तीसरे चरण की तरफ बढ़ेंगे, जिसमें तीसरे चरण के कैंपेन में चार तरफ से हम घेरेबंदी करेंगे अपने कैंपेन को। पहला जो कैंपेन होगा वो हमारी जो वार्ड लेवल के पदाधिकारी हैं, काउंसलर्स हैं, उनकी हम पदयात्रा शुरू कर रहे हैं। दूसरा, हर विधायक अपने अपने क्षेत्र में पदयात्रा और नुक्कड़ सभा का के माध्यम से कैंपेन को आगे बढ़ाएगा। तीसरा जो चरण है उसमें कैंडिडेट्स अलग अलग इलाकों में रोड शो, नुक्कड़ सभा और पदयात्रा के माध्यम से लोगों तक पहुंचेंगे। चौथा जो है उसमें स्टार कैंपेनर की अलग अलग इलाकों में सभाएं होंगी। और पांचवा जो कैंपेन है वो दिल्ली के मुख्यमंत्री खुद 1 तारीख से दिल्ली के अंदर रोड शो अपना शुरू करेंगे। तो ये 5 तरह से अपने कैंपेन को आम आदमी पार्टी तीसरे चरण में लॉन्च करेगी। इसकी डिटेलिंग कब कब कहाँ रोड शो होगा, कैसे होगा, वो आपको जल्दी हम सूचित करेंगे।